साथियों, ये अब मुद्दा आया इसलिए मैं ये बात और आप लोगों को विस्तार कर देता हूं। अभी पहले 1950 में और 60 के दौरान ब्राह्मण जो प्रशासन में होते थे वो क्या कहते थे, जब रिजर्वेशन भरने का मामला आता था क्या कहते थे, तो कहते थे कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। 60 के बाद धीरे धीरे हमारे लोग मिलना शुरू हुए, 60 के बाद, 65 के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गए, 70 के बाद तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो फिर उन्होंने जो बैठे हुए IAS अधिकारी ब्राह्मण थे उन्होंने लिखा, कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल। कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु आर अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल। ये रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं, उन्होंने अपने टिप्पणियों में ये लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, 70, 75 और 80 के बाद हमारे लोग हायर एजुकेशन में मेरिट में आने लगे। मैं तो अभी दूसरी बात बता रहा हूं, जब 70, 75 और 80 में हमारे लोग मेरिट में आने लगे, हमारे लोग डिस्टिंक्शन में आने लगे, हमारे लोग फर्स्ट क्लास में आने लगे, तो उन लोगों को ये कहना मुश्किल हो गया कि कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल एंड दोज हु आर अवेलेबल दे आर नॉट सुटेबल, ये कहना मुश्किल हो गया। जब मुश्किल हो गया तो उन्होंने, जब जनता, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बना, तो मुरली मनोहर जोशी देश का ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर बना। तो उसने एक कानून बनाया, कानून का नाम था राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार देने का अधिकार कानून, ऐसा टाइटल दिया। और उस टाइटल में कानून बनाया कि 8वीं तक सरकारी स्कूलों में एग्जामिनेशन ही नहीं होगा, सरकारी स्कूलों में एग्जामिनेशन ही नहीं होगा, प्राइवेट स्कूलों में